हम कहेंगे योगी जीवन, राइट? शुरू करते हैं तो कहेंगे योग अभ्यास, परंतु अभी कहेंगे हमारी योगी जीवन। बाबा उससे संतुष्ट नहीं होगा कि हमने आधे घंटे का योग किया। अब बाबा को कहो मैंने तो बहुत अच्छा आधा घंटा योग किया, बाबा मुस्कुरा के कहेगा योगी जीवन बनाई है, राइट? तो जीवन की बातें आती है ये। तो सिचुएशन कोई भी मेरे सामने आए, परंतु मेरा अमृत वेले का अभ्यास, बाबा की मुरली का अभ्यास, दिन भर इन बातों पर ध्यान देना, तो जब फिर भी आजकल मैं कहेंगी कि शांति है, और आगे समय ऐसे आने वाला है जबकि मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी बात कब आ रही है। गाड़ी आ रही है, अभी गाड़ी रास्ते पर चलेंगे या पेवमेंट पर आ जाएंगी मालूम नहीं है, परंतु हम डर डर के थोड़े कहेंगे कि मुझे बाहर जाना ही नहीं है, गाड़ी मेरे ऊपर ना आ जाए। हम तो कहेंगे कि अपने को इतना शक्तिशाली बना करके रखना है जो हम तैयार रहें। किस घड़ी मेरी अंतिम घड़ी आएंगी नहीं मालूम। कल परसों की मुरली में था ना, अंत मते सुगति, अंत घड़ी का मुझे ख्याल है। कोई भी टाइम अंत घड़ी आ सकती, और चलो अंत घड़ी तो कब जब भी आए, परंतु आज परीक्षा मेरे सामने कौन सी आएंगी, किस घड़ी आएंगी, उसका भी मुझे नहीं मालूम, और कहाँ से आएंगी ये भी नहीं मालूम। आज ये व्यक्ति का बहुत अच्छा व्यवहार है, कल उसके सामने कौन सी मुसीबत आई है जो उसने मेरे से कुछ तेज़ बोला और उसी के द्वारा ही मेरे पास परीक्षा आई, मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि उनों के सामने सर्कमस्टेंसेस क्या चल रही है हमको नहीं मालूम पड़ सकता, तो उनों के द्वारा ही कैसे मेरे सामने परीक्षा आएंगी हम अंदाज नहीं लगा सकते, परंतु मेरा अभ्यास किया हुआ है। ओम शांति। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, न मुख से रिएक्ट करना है, न मन में रिएक्ट करना है। मन में जो रिएक्शंस बनते जाते हैं और फिर हम उसको दबाते रहते हैं, उससे या तो कभी ना कभी बम फटेगा या तो कभी ना कभी डिप्रेशन आ जाएगा, दोनों बातों में से एक बात अवश्य होंगी। तो मन में रिएक्ट आए तो निकाल देवे, क्योंकि फिर बम फटेगा ना। मन को चेंज करना है, मन को चेंज करना है। हमने अपनी तैयारी की हुई है, तो फिर वो कुछ कह रहे हैं तुरंत मुझे मालूम है समाने की शक्ति कैसे हो, समेटने की शक्ति कैसे हो, न सिर्फ समा करके रख लेवे, समेट लेवे, फिनिश। अभी के समय के हिसाब से हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, जस्ट चेकिंग का? मैं ये पुरुषार्थ करूं कि मेरा कनेक्शन बुद्धि का गहरा किसके साथ है। यहाँ किसी के साथ भी गहरा कनेक्शन होगा, कितना भी नज़दीक संबंध हो, फर्स्ट संकल्प कोई भी बात में मुझे क्या आता, फलाने को बुलाओ, मुझे उसको फ़ोन करना है, वो मेरा रिएक्शन है, या पहले मैं बाबा के पास जाऊँ। पहले तो हमारा पुरुषार्थ ऐसे चले कि मेरा कनेक्शन हर घड़ी हर समय बाबा के साथ हो। दूसरा, मेरा पुरुषार्थ ये चले कि मैं अपने स्वमान की स्थिति में स्टेबल रहूं। अचल अडोल स्थिति यदि आज हमारी बनी है, तो फिर कल समस्या के समय भी हम अचल अडोल रह सकेंगे। यदि आज छोटी मोटी बातों में मेरा मन भागता रहेगा, हिलता रहेगा, और हमारी स्वमान की स्थिति खिसक जाएंगी, तो फिर आगे बड़ी बातों में मुश्किल होगा। तो मुझे ये दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो बाबा से अगर अटैचमेंट है तो स्थिति अचल अडोल रहेंगी। तो हर बात में कोई भी सिचुएशन आए तो बाबा के कमरे में
हो सकता है मैं रास्ते पर चल रही हूँ, बाबा का कमरा तो दूर होगा। अच्छी बात है, आपको बाबा के कमरे के लिए विशेष ध्यान है। परंतु इस कमरे में मूर्ति बनी हुई है, मैं वो मूर्ति हूँ और मुझे इस कमरे में जा कर के लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाना है बाबा के पास। तो वो लिफ्ट कौन सी है, कौन से फ्लोर में बाबा है? लिफ्ट मना स्वमान की लिफ्ट में बैठना है कि मैं आत्मा हूँ तो बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे? बाबा ने एक बारी मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, अव्यक्त बाबा, कि जैसे लिफ्ट को चार दरवाजे हैं, आप जब चारों ही तरफ लिफ्ट के दरवाजे को, और आजकल आपने देखा है कभी यहाँ से लिफ्ट खुलती है कभी यहाँ से लिफ्ट खुलती है, दोनों तरफ से खुल सकती, और ये चेक करना होता है कि चारों ही तरफ से लिफ्ट बंद हो। तो बाबा ने कहा था कि आप ये ध्यान देखो, स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, परिवार प्रिय और लोकप्रिय, ये है लिफ्ट के चार दरवाजे, और आप उस लिफ्ट में फिर खड़े रहो, जल्दी में ऊपर तक टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। बाबा का टॉप फ्लोर है। चारों दरवाजे बनाने में बड़ा मेहनत है। इसी को ही कहा जाता है पुरुषार्थ। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछ। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है। हाँ वो पूछ रहे हैं फुल स्टॉप कैसे लगाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने तो फुल स्टॉप लगा दिया लेकिन वो लगा हुआ नहीं होता है, वो टू बी कंटिन्यू हो गया होता है। ऐसा है ना मनोहर भाई? लगता है हमने फुल स्टॉप लगाया लेकिन 10 सेकंड के अंदर वापस वो शुरू हो गया होता है, फुल स्टॉप नहीं होता है। तो उसके लिए कैसे फुल स्टॉप लगाए, क्या करें? आज मैंने, यदि मैंने सोचा कि मैंने फुल स्टॉप लगाया परंतु फिर वो बातें शुरू होने लगी तो मुझे खुद ही पता चलता है कि मैंने नहीं लगाया है, तो फिर मुझे स्वयं का टीचर बनकर अपने को समझाना होता और कारण पूछना होता कि क्यों नहीं मेरा फुल स्टॉप लगा, क्या मेरे मन में किसी के प्रति इतनी शुभ भावना नहीं है जो मैं इस प्रकार के संकल्प कर रहा हूँ, क्या मुझे इतना विश्वास नहीं है कि बाबा कल्याणकारी है, मेरा मददगार है, क्या मुझे समय की महत्व की पहचान नहीं है कि संगम युग है, कदम कदम पर और आगे बढ़ना होता है। तो खुद को समझा करके वापस उस पॉइंट पर लाओ फुल स्टॉप। एक बारी, पांच बारी, दस बारी ऐसे बातें होती रहेंगी और आपने अपने आप से टीचर बन करके खुद को समझाया होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम बात आएंगी फुल स्टॉप। क्या है कि हम पुरुषार्थ करते हैं एक बारी, दो बारी, फिर छोड़ देते, समझते कि बस हम तो पास हो गए, परंतु अभी तक वो पुरानी बातें तो गई नहीं है। पुरानी बातें कितनी गहरी है, कितनी गहरी है हमें पता नहीं चलता, परंतु जितना जितना हम ध्यान रखते हैं अपने ऊपर, हमें एक तो पता चलता कि संस्कार कितने गहरे हैं और दूसरा ये पता चलता कि मुझे कितना ध्यान देना होगा उस बात को बदलने के लिए। एक बारी, पांच बारी पुरुषार्थ करने से बात खिसक गई, काम नहीं बनता। और हाँ मंदन, हम जब भी बाबा को याद करते हैं घड़ी घड़ी हम सोचते हैं हमें बाबा की याद में रहना है, तो हम बाप दादा को घड़ी-घड़ी सोचते हैं हमें बाबा की याद में रहना है, तो हम
उस घड़ी बाप दादा की याद में रहना है या सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है? स्टेजेस है। जिस घड़ी पहले मैं बाबा को याद करती हूँ, जैसे कि बाप दादा के नैनों के द्वारा ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाप दादा नहीं, ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा जैसे मुझे दृष्टि मिल रही है, उस दृष्टि से मेरी बुद्धि एकाग्र हो जाती है शिव बाबा के प्रति, और फिर शिव बाबा के साथ वो संबंध जुट गया। फिर बाबा का जो गुण है, शिव बाबा सागर है, तो गुणों का अनुभव होने लगता। और कभी कभी बाबा जो कहते हैं रू रिहान, तो रू रिहान बिंदु से नहीं कर रहे हैं, रू रिहान बाप दादा से कर रहे हैं, परंतु रू रिहान करते, बाबा के साथ बातें करते, ध्यान चला जाता है शिव बाबा के ऊपर। तो बाबा ने हमें सहज तरीके बताए हैं जिससे हमारा बुद्धि योग एक निराकार के साथ जुट जाए। तभी बाबा आजकल वो मुरलियाँ नहीं रिपीट हो रही है, परंतु आगे पीछे फिर आएंगी, बाबा जिसमें बीज रूप का वर्णन करते हैं, साकार मुरलियों के लिए मैं कहती। और बाबा ने ये लास्ट वर्ष जो बाबा साकार में थे 68 की मुरलियों में बाबा ने बीज रूप का विशेष वर्णन किया। तुम आत्मा बिंदी, शिव बाबा बिंदी को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हम योग में बैठते हैं 30 मिनट। 30 मिनट में हमारा बुद्धि योग बिल्कुल मैं आत्मा निराकार, शिव बाबा निराकार, कितने मिनट वो कनेक्शन बना रहा, कितने मिनट वो जुटा रहा, हर एक का अपना हिसाब है, परंतु आप सोचो तो संस्कार अभी तक क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि इस बिंदी स्थिति, बीज रूप स्थिति की योग से वो अग्नि होती जिससे संस्कारों का परिवर्तन होता। हम योग लगा रहे हैं बहुत समय से, हाँ मेरा एक बाबा है दूसरा न कोई, परंतु वो जो बीज रूप स्थिति की याद है उसके लिए हमको इतना प्रैक्टिस करना होगा, तभी हमारे संस्कारों का